कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट और विश्व चैंपियन मीराबाई चानू को आज राष्ट्रपति भवन में खेल के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। अवार्ड मिलने से पहले उनसे खास बातचीत की हमारे खेल संवाददाता रोहित चुगलान ने। वर्ल्ड चैंपियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू इस वक्त पे हमारे साथ है और ये साल उनके लिए जबरदस्त रहा है, खासतौर पर जिस तरह से शुरुआत हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ और बीते तमाम सालों में वो लगातार खिताब देश के नाम करती हैं। मीराबाई चानू, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। थैंक यू सो मच। ये जो सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अपने आप में देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है और जिस तरह का आपका प्रदर्शन रहा है, खासतौर पर अगर मैं इस साल की बात करूं तो आपको लगता है वो जो मेहनत की थी उसका एक फल है, उसका एक परिणाम, एक नतीजा है जो इस सम्मान के रूप में आपको मिल रहा है? हाँ, ये मेरा मेहनत भी थी और मेरा फैमिली की सपोर्ट से भी थी और ये सब मेरा कोच फेडरेशन की सब सपोर्ट से है। खास करके मैं बहुत मेहनत किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि 22 इयर्स के पहले 1995 को हमारे सोरी मैम ने वो मेडल लिया था, तो इसके बाद कोई किसी ने मेडल ले नहीं पाया था, तो इसलिए मैंने खास होकर मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बहुत मेहनत किया था। आपको लगता है अब यहाँ पर आप एक तरह से देश की लड़कियों के सामने एक रोल मॉडल की तरह हैं, आपका एक एक कदम उन लड़कियों को एक नया उत्साह देगा, नया जोश देगा, नई उमंग देगा, नए हौसले देगा? हाँ, मुझे इंडिया का सभी प्लेयर्स लोगों को, खास करके वुमेन्स को मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि हम साथ ऐसे किसी का स्टेट में गांव में ऐसे लगती थी लड़की कुछ नहीं कर सकती, घर में ही रहना है ऐसा बोलते थे, तो ये सब मत बोलो, जो भी फैमिली इसको हेल्प करो, जो भी इसको चाहिए उसको करने दे, सपोर्ट करो फैमिली और इंडिया के सारी प्लेयर्स अच्छे से करो, आपके गांव के लिए, आपके स्टेट के लिए और इंडिया के लिए खास होके मेडल जीतने के लिए मेहनत करो, मेहनत करके तो सब मिलती है। देश की नजरें 2020 टोक्यो पे होंगी या उससे पहले जो बड़े इवेंट्स हैं आपके, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के इवेंट्स हैं उन पर भी एक नजर होगी। देश के नाम 2020 टोक्यो से पहले मीराबाई चानू क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मैं इस बार एशियन गेम्स में भी मिस हो गया, अभी नवंबर में मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप है, मेरा इंजरी के कारण मैं सब दोनों कॉम्पिटिशन मिस करना पड़ा है, तो मैं 2019 से मेरा फर्स्ट ओलंपिक क्वालिफाइंग होगा, तो इसमें से मैं फर्स्ट में ही मैं ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए बहुत मेहनत करूंगी, इसके बाद मुझे 2020 में इंडिया के लिए मैं मेडल ही लेके आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मिल रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो आप हमारे साथ मीराबाई चानू थी जिन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि आने वाले समय में देश उनसे उम्मीद लगा सकता है, खास तौर पर 2020 टोक्यो में। और उससे पहले जो उन्होंने एक बड़ी बात कही वो ये कि अगर आप मेहनत करते हैं तो करते रहिए, सपनों तक पहुंचने के लिए आपको लंबा वक्त जरूर लग सकता है लेकिन सपनों का पीछा आप करना कभी मत छोड़िए। रोहित जुगलान, नई दिल्ली, इंडिया न्यूज़।